आगे आगे अब इसको जन आंदोलन बनाएंगे, देश की सारे राज्यों की राजधानियों में आंदोलन करेंगे और आने वाले 25 तारीख को हर जिला मुख्यालय के माध्यम से धरना करके वहां से ज्ञापन दिलवाएंगे जिलाधीश के माध्यम से राष्ट्रपति जी को, एक एक गांव में हम लोग पहुंचा देंगे। क्या 2024 का चुनाव, 2024 का चुनाव बैलेट पेपर से होगा, इसी की लड़ाई चलेगी, होगा। अगर हमारी वोट की चोरी हो रही है तो हम ये नहीं होने देंगे। तो देश प्रजातंत्र है, देश के अंदर देश संविधान से चलता है, तो वोटर को ये भरोसा दिलवाना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी है कि उनकी वोट की चोरी नहीं होगी। लेकिन इलेक्शन कमीशन तो अब दिल्ली में और जगह जगह आपको डेमो दिखा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अगर केंद्र सरकार के इशारे पर जबरदस्ती ईवीएम से चुनाव कराने पर आमादा है तो हम इसको जन आंदोलन बनाएंगे, पूरे देश के लोगों को लेकर सड़कों पर उतरेंगे। पार्टियां साथ आ रही हैं, अभी तो एडवोकेट हम पार्टियों के भरोसे नहीं है। इस देश की जनता ने पार्टियों को बनाया है, इस देश की जनता ने सरकार को बनाया है। जनता देश में सबसे बड़ी है, जनता से ऊपर कोई नहीं है। इसलिए जन आंदोलन की बात केंद्र सरकार को सुननी पड़ेगी, इलेक्शन कमीशन को जनता की बात को मानना पड़ेगा। ठीक, चलिए। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि जो दिल्ली सरकार के और जो मंत्री राजेंद्र पाल गौतम हैं उनसे हमने बात की और उनके साथ जो एडवोकेट टीम मौजूद चार साथियों को पुलिस ये कहकर लेकर गई कि आपको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से उनकी बात हो गई है और वहाँ टाइम मिल गया है, आप चार लोग प्रतिनिधि चलिए, आपको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से मिलवाया जाएगा, वहाँ आप अपना ज्ञापन दीजिएगा। लेकिन अभी मुझे फोन आया हमारे प्रतिनिधियों का कि उनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से मिलवाने की बजाय वो लोग लेकर पहले तो भगवान दास रोड की तरफ लेकर गए, उसके बाद उनको तिलक मार्ग थाना लेकर गए हैं। इसका मतलब पुलिस भी धोखा दे रही है और मंदिर मार्ग थाना लेकर गई है। इसका मतलब पुलिस आज गृहमंत्री जी के इशारे पर, केंद्र की सरकार के इशारे पर काम कर रही है, धोखेबाजी कर रही है। जब हम जनता की आवाज को लेकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को ज्ञापन देने वाले थे तो फिर पुलिस को झूठ बोलने की क्या जरूरत है? अगर गिरफ्तारी करना था तो गिरफ्तार कर लेती हम सबको। लेकिन हमारे चार प्रतिनिधियों को लेकर ये कह के गई कि हम आपको चीफ जस्टिस मीडिया को ज्ञापन दिलवाएंगे आपसे, और ले जाके थाने क्यों लेके गए? इसका मतलब केंद्र सरकार के इशारे पे ये काम कर रही है पुलिस, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो आमादा है बैलेट पेपर की बजाय ईवीएम से चुनाव कराने पर, ये किसी कीमत पर होने नहीं देंगे। पूरे देश का जन आंदोलन बनेगा, पूरे देश से लाखों की मात्रा में हमारे पास फोन आ रहे हैं। हम लोग अब हर राज्य की राजधानी में एक एक आंदोलन करेंगे, फिर जिला मुख्यालय के माध्यम से, जिलाधीश के माध्यम से ज्ञापन दिलवाएंगे राष्ट्रपति जी को 25 तारीख को, उसके बाद 31 तारीख आते आते इसको पूरे देश का जन आंदोलन बना देंगे और फरवरी के पहले सप्ते में तक ज्यादातर राज्यों की राजधानियों में ये आंदोलन हो जाएगा। इसको सड़कों पे उतरने की जरूरत है, हम सड़कों पे उतरेंगे, क्योंकि केंद्र की सरकार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पुलिस का इस्तेमाल करके हमें मजबूर कर रही है कि हम लोग पूरे देश के अंदर सड़कों पे उतरें। तो अगर पुलिस ये चाहती है, सरकार ये चाहती है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये चाहती है तो यही सही, लेकिन हम लोगों की वोट की चोरी नहीं होने देंगे, हम ईवीएम से चुनाव नहीं होने देंगे, हमें बैलेट पेपर वापस चाहिए क्योंकि हमें ईवीएम पे भरोसा नहीं है। विकेट करने की क्या मंशा है सर आज? मंशा एक ही है कि वो किसी तरीके से हमारी आवाज़ को दबाना चाहते हैं, जनता की आवाज़ को दबाना चाहते हैं, लेकिन वो जनता की आवाज़ को दबा नहीं पाएंगे। चार लोगों को, 10 लोगों को, 20 लोगों को, 50 लोगों को, 100 लोगों को, 500 को, 1000 को गिरफ्तार कर लेंगे, लेकिन लाखों लोग जब गिरफ्तारी देने के लिए अपनी वोट की चोरी के खिलाफ बैलेट पेपर से वोटिंग हो इस पे जब वापस मांग करेंगे, लाखों लोग जब रोड पर उतरेंगे तो किस किस को केंद्र की सरकार गिरफ्तार करेगी, हम भी ये देखना चाहते हैं। झूठ बोल के डिफेंड किया है आप लोगों का सुप्रीम कोर्ट तक जाने का? हम ये पहले से जानते थे कि ये दमन की सारी हरकतें करेंगे, हम उसके लिए तैयार हैं। हम भी देखना चाहते हैं किस किस तरह के छल कपट ये सरकार हमारे साथ करती है, किस कब तक वो पुलिस का इस्तेमाल करती है हमारे खिलाफ, हम भी उनका दमन देखना चाहते हैं। आगे आगे अब इसको जन आंदोलन बनाएंगे, देश की सारे राज्यों की राजधानियों में आंदोलन करेंगे और आने वाले 25 तारीख को हर जिला मुख्यालय के माध्यम से धरना करके वहां से ज्ञापन दिलवाएंगे जिलाधीश के माध्यम से राष्ट्रपति जी को कि हमें ईवीएम पर भरोसा नहीं है, बैलेट पेपर वापस लाओ जी। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट तक जाने की बात हुई थी, यहां से लेकर इसलिए जाया गया था कि चार लोग अब पहुंच जाएंगे। पुलिस को बकायदा गैर इस्तेमाल किया जा रहा है,
और हमें पूरा भरोसा है कि गृह मंत्री जी ने कहा होगा कि आप इनको ये कह के ले जाइए, आपको दक्षिण इंडिया से मिलवाने का वादा करके ले जाइए और ले जाके थाने में बिठा लीजिए। डिटेन कर लिया उनको, मंदिर मार थाने लेके गए। आप सब लोग वहीं पर आए, हमारे चार गए थे, हमारे चार लोग आज ये कह करके कि चार कोई भी वकील हमारे साथ चले और हम चीफ जस्टिस के यहाँ आपको लेकर के चलते हैं, बाकी लोग यहीं पर रुके, तो हमने चार साथियों को भेज दिया। लेकिन जैसे ही उन्होंने गाड़ी में बैठाया, गाड़ी सुप्रीम कोर्ट पे ना ले जा करके सीधे मंदिर मार्ग थाने पे ले गए। हमारे पास तीन फोन आया, हम सब लोग वहीं जा रहे हैं और आप लोगों से भी कह आप लोग वहाँ पर सभी थाने जाएंगे। पुलिस जो करना चाहती है कर ले, वो यही करेगी ना, छल कपट करेगी, झूठ बोल के ले जाएगी, थाने में बिठा लेगी, अरेस्ट कर लेगी। मैं कहता हूँ मुकदमा दर्ज करके हमें जेल में डाल दो, लेकिन हम ना डरेंगे ना झुकेंगे, हम बैलेट पेपर वापस ला के रहेंगे।